Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. First of all, take out computer books and open page number 27. जैसा कि आप सबको मालूम है, जब हमारा फ्राइडे का डे होता है तो इससे प्रीवियस भी जो हमारा फर्स्ट वीक था उसमें मैंने आपको पूरी जो मंडे टू थर्सडे की रिवीजन फ्राइडे वाले दिन करवाई थी. तो आज जो हम करेंगे वो यही करेंगे जो हमारा सेकंड वीक है, जो हमने मंडे से लेके थर्सडे तक पीर से जुमेरात तक हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे, ताकि हमारा जो आपका लाइव सेशन होगा, फिर मैं आपसे सवालात करूँगी, क्विज दूंगी, तो आपको क्या हो जाएगी उसमें आसानी हो जाएगी. अब हमने जो फर्स्ट वीक था उसके अंदर, फर्स्ट वीक में मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमंस एंड कंप्यूटर, इंसानों और कंप्यूटर के दरमियान फ़र्क पढ़ाया था, और फिर मैंने आपको पढ़ाई थी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. अब ये जो आपका मंडे स्टार्ट हुआ इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाई थी डिफरेंट प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज, कि ऐसी कौन सी जगह होती है कि कंप्यूटर वहाँ पर क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं. पहले क्या होता था, सिर्फ हम ऑफिस में कंप्यूटर देखते थे या फिर स्कूल में देखते थे, हम घर में नहीं देखते थे, किसी की शॉप पे नहीं देखते थे. लेकिन अब क्या होने लग गया है कि जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, आप लोग देखते हो सुपरमार्केट में भी कंप्यूटर होता है, मोबाइल की शॉप में भी कंप्यूटर होता है, हमारे हाउसेस में भी कंप्यूटर होता है, स्कूल्स में होते हैं, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट, सब जगह हमें कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारे काम को बहुत ज़्यादा क्या बना रहा है, आसान बना रहा है और हमारे काम को जल्दी कर देता है. फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, शॉप्स एंड सुपर मार्केट्स. अच्छा, शॉप्स एंड सुपर मार्केट में मैंने आपको बताया था ये क्यों यूज़ होते हैं. शॉप्स एंड सुपर मार्केट्स में क्यों यूज़ होते हैं, कंप्यूटर्स हेल्प टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डेली सेल्स, ताकि वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो डेली रूटीन की सेल्स होती है उनको कंप्यूटर में मेंटेन रखते हैं. इसके साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी, इसके साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी कि जो है वो लोग अपने सेल्स का रिकॉर्ड सेव करते हैं कि आज अगर एक आइटम इतनी रुपए में हमने ख़रीदा है तो सेकंड डे हम इतने में उसको सेल करेंगे, बेचेंगे. फिर आइटम्स वगैरह के बारे में भी वो उसमें मेंटेन रखते हैं. फिर हमने पढ़ा था रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स के बारे में, कि जब हम एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो, किसकी मालूमात होती है हमें, बुकिंग एयर टिकट्स एंड रेलवे टिकट्स हम बुकिंग करवाते हैं, एयर टिकट्स की, रेलवे टिकट्स की. मैंने आपको समझाया था कि उनकी जब फ्लाइट आती है और जब वो चली जाती है उसके बारे में वो टाइमिंग के बारे में बताते हैं कि इतने टाइमिंग पर हमारी सेकंड फ्लाइट आएगी और इतने टाइमिंग पर हमारी थर्ड फ्लाइट आएगी. ये सब भी मालूमात वो किस पे से बताते हैं, हमें कंप्यूटर पे से बताते हैं. फिर मैंने आपको ऑफिस के बारे में बताया था कि सबसे ज़्यादा जो हमारी कंप्यूटर का यूज़ होता है वो ऑफिसेस में होता है. आप लोग देखते हो हर सबके पास जो वर्किंग कर रहा था, सबके पास अपना लैपटॉप या फिर ऑफिस का कंप्यूटर होता है, क्योंकि टोटली ऑफिस में वर्किंग किस पे होती है, कंप्यूटर्स पे होती है. क्योंकि मैंने आपको समझाया था, अगर वो लोग कह रहे थे हम बल्की फाइल्स, भारी फाइल्स जमा करेंगे मालूमात के लिए, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे. तो उन्होंने क्या कहा, हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग किस पे करते हैं, कंप्यूटर्स पे करते हैं. और क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और क्या करते हैं, ऑफिशियल मैसेजेस वगैरह भी वो लोग कंप्यूटर पे सेंड करते हैं. फिर हमने पढ़ा स्कूल के बारे में कि स्कूल में कंप्यूटर क्यों यूज़ होता है. कह रहे फॉर मैनी पर्पस, बहुत सारे मकासद के लिए. मैंने आपको बताया था ये मेंटेन रखते हैं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को, जैसे हम लोग रखते हैं ना, अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग अगर कोर्स सबमिट नहीं करके जाते या फिर आप वक्त पर नहीं आते हो तो फिर हम आपको क्या करते हैं, कॉल करते हैं, क्योंकि आपका क्या होगा, फिर ऐसे लॉस होगा. आपका लॉस हम नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं आप टाइम टू टाइम आओ, अपनी वर्किंग लो और सबमिट करवाओ, ठीक है. इसी तरीके से फिर हम आपकी मालूमात रखते हैं कि आपका नंबर है, आपका एड्रेस है. फिर कह रहे हैं कि जो है हमको कुछ सेंड करना होता है स्कूल में से, तो हम करते हैं, आप देखते हो मोबाइल में ग्रुप बना हुआ है आपका, हम उस पर सेंड करते हैं, कोई भी मालूमात होती है, नोटिस होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है. फिर हमने पढ़ा, आगे चलते हमने पढ़ा हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स में भी आजकल आप देख रहे हो, रिसेप्शन पर चले जाओ, जैसे हम किसी मरीज को लेके गए, सारी हम जो पैसे जमा करवाते हैं वो कहाँ पर करवाते हैं, रिसेप्शन पर करवाते हैं ना. और रिसेप्शन पर कौन बैठी होती है, नर्स होती हैं या लेडी होती हैं, वो क्या करती है, कंप्यूटर पे हमारा बिल बताती है कि भाई आपका वन डे का इतना बिल था, सेकंड डे का इतना बिल था, तो आप ये पूरा का पूरा वापस सबमिट करवा दो. और इसके अलावा वो लोग क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट के बारे में मालूमात लेते हैं किससे, कंप्यूटर से, कि जदीद दौर आ चुका है, अगर ये बीमारी आ गई तो इसका क्या हल होगा, इसका इलाज कैसे होगा. फिर मैंने आपको बैंक्स के बारे में बताया था कि बैंक्स में भी आप लोग देखते हो टोटली कंप्यूटर यूज़ होता है, कोई वर्किंग वो लोग अपनी ये किताबों पर कॉपियों पे नहीं करते, टोटली वर्किंग वो किस पे करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं. फिर मैंने आपको एटीएम के बारे में बताया था कि बैंक के अंदर एक मशीन होती है जो खड़ी हुई होती है, जैसे आप देख रहे हो ना कि उसमें एक कार्ड डालते हैं और उसमें से पैसे निकलते हैं, उसको कहते हैं एटीएम. एटीएम की मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, उसको क्या कहते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. अब आपको मालूम हो गया ना इसकी फॉर्म. फिर इसके बारे में बताया था कि इनके ट्रांजेक्शन होती है ऑनलाइन, ये अपनी मालूमात एक दूसरे बैंक से शेयर करते हैं.
फिर मैंने आपको होम के बारे में बताया था कि आजकल आप लोग देखते हो घरों में भी कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़रूरी हो गया, इस्तेमाल ज़रूरी हो गया। क्यों हो गया? ये हमारी नॉलेज में भी इजाफा करता है और हमारे लिए काम को आसान करता है। जैसे आप लोग देखते हो छोटे बच्चे होते हैं, वर्किंग हो गए, वो मूवीज़ देख लेते हैं, कार्टून्स बना लेते हैं। फिर मेकिंग फिल्म्स, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट रेडी करना है जैसे यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, तो मैं अपना प्रोजेक्ट भी किस पर रेडी करूँगी? कंप्यूटर पर। ठीक है, फिर मैंने वेनिसडे को आपको वर्किंग दी थी जिसमें आपको डॉट्स ज्वाइंट करने थे एंड कलरिंग करनी थी, और यहाँ पर हमारे पास इस बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स थे जो हमारे पास दिए हुए थे, तो हमने वन बाय वन उनको स्पेलिंग के साथ मैंने आपको तलाश करवाए थे कि हम ऐसी वर्किंग करेंगे। फिर जुमेरात वाले दिन मैंने आपको पूरे चैप्टर का निचोड़, जब हम कहते हैं ना समरी, के पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में समझाया था कि हमने पूरे चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ी। ये था आपका रिवीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जब आपसे मिलूंगी तो फिर हम आगे की वर्किंग करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।